आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रिवाइज करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा, क्या पता आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मौखिक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें 100 से अधिक प्रश्न देखेंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से, वो प्रश्न आपको कराने वाला हूँ मौखिक टेस्ट के तौर पर। तो जिनको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, आ जाइएगा, क्योंकि 24 जून को एग्ज़ाम है लेबर इंस्पेक्टर सहायक संघ पदाधिकारी का, जिसका एग्ज़ाम आपको अच्छे से कवर करना है। जितना मेहनत करना है उतना आपको कर लीजिएगा, ठीक है। आज आपका 22 जून है, एक दिन मात्र बचा हुआ है, एक बार रिवाइज करके रिवीजन करके जाइएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको पढ़ना नहीं है, बुक आप कोई मत देखो, आप सिर्फ रिवाइज करो, रिवीजन करो। जितने भी जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं सबको रिवाइज कर दो, एक बार रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। तो आज हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूँ आज, जो आप एग्ज़ाम में 30 से 35 नंबर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे जा रहे हैं लेवल इंस्पेक्टर में। तो आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा, मेरे हिसाब से मैं यही कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है आपका ऐसा ही क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं, जो अंतिम दांव के साथ आज लास्ट वीडियो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का मौखिक टेस्ट देखेंगे। 100 से अधिक प्रश्न, जिसमें आपके एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप लोग एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा, रिवीजन करके जाइएगा, समय की परवाह ना करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आधा घंटा या एक घंटे की क्लास चलेगी, रिवीजन की क्लास मौखिक टेस्ट के तौर पर। आपको रिवीजन करना है तो आ जाइएगा। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो कि आपके बहुत सारी एग्जामों में ऐसे ऐसे और प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार 25 जून से हमारे चैनल पर न्यू बैच प्रारंभ किया जा रहा है हॉस्टल वार्डन और वन रक्षक भर्ती का। जिसको तैयारी करना है तो हमारे चैनल को जल्दी से जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, 100 से अधिक प्रश्न। तो आप लोग रिवाइज करके रिवीजन करके जाइएगा, मौखिक टेस्ट दीजिएगा। जो भी आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मौखिक टेस्ट की। सीजी व्यापम मौखिक टेस्ट देखेंगे, 100 से अधिक प्रश्न देखने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा मौखिक टेस्ट देने के लिए। सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम है 24 जून को होने वाला है, मात्र आपके पास एक दिन बचा हुआ है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आपको पढ़ने का समय नहीं है। बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अंतिम दांव के साथ आप अंतिम प्रयास कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बस्तर के दशहरा से 10 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके सभी का एग्जाम क्वेश्चन में देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला है आपका, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है तो कितने दिनों की अवधि तक मनाया जाता है। आपका व्यापम पीएससी सभी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बिल्कुल रिवीजन करके जाइएगा, अंतिम दांव पेच खेल कर जाइएगा, ठीक है। चाहे आपकी जीत हो या हार हो, आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 120। सभी के सभी लोग यहाँ कमेंट बॉक्सों में कमेंट कीजिएगा, मौखिक टेस्ट दिलाइएगा, जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिएगा। जितने भी हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं जल्दी से आंसर देना प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर बिल्कुल 75 दिन आएगा, बी, ठीक है। जो एक बस्तर का जो त्यौहार है, परंपरा है, जो भारतीय त्यौहार है, आपका मात्र 75 दिन की अवधि तक मनाया जाता है। सेकंड है, बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, सीजी व्यापम क्षेत्र रक्षक 2021 में पूछा गया है। उसी प्रकार मैं सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके व्यापम में या सीजीपीएससी में पूछा ही गया है, ठीक है। तो रिवाइज करके जाइएगा, एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा लेबर इंस्पेक्टर यानी कि सहायक संघ पदाधिकारी का।
ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मौखिक टेस्ट दीजिएगा अंतिम दांव के साथ। ठीक है, सभी के सभी आंसर आना चाहिए, जितने लोग हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं सभी का आंसर आना चाहिए। रैनी यात्रा, धनु कांड या गंगा मुंडा यात्रा, मौली प्रघाव। तो इसका आंसर बिल्कुल डी होगा, मौली प्रघाव। सौ से अधिक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व कहाँ, किस और किस मौसम में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये आपका आषाढ़ माह में सीजी व्यापन 2012 में पूछा गया है। ठीक है, बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं? तो बस्तर की दियारी कहते हैं, आपका व्यापन 2015 में पूछा है। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति कब होती है? तो आपका मुड़िया दरबार से। तो देखिए, मैं आपका इसका डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर याद करना है तो कर सकते हैं या फिर नोट कर लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, तो बस्तर की जो दशहरा होता है आपका मात्र कितने दिन तक चलता है? 75 दिनों तक चलता है। मुड़िया दरबार यानी कि मुड़िया जो बस्तर का दशहरा है उसके अंतिम जो समाप्ति का होता है वो आपको मुड़िया दरबार से होता है। जबकि अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम रस्म, पहला रस्म आपका कौन सा आएगा? काछिन गादी देवी। ठीक है, काछिन देवी से रस्म स्टार्ट होता है। और कौन सी देवी से? दंतेश्वरी देवी से। याद रखना, दंतेश्वरी देवी के प्रति जो समर्पित है ना, तो इसके देवी देवता है आपका दंतेश्वरी देवी, काछिन गादी देवी की। और जो इसका बस्तर दशहरा से यात्रा है आपका पाट यात्रा से, पाट यात्रा इसको मिलाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, बस्तर में यत्र यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? तो बस्तर में यत्र यात्रा के पर्व को गोंचा पर्व कहा जाता है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहला त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहला है आपका हरेली, दूसरा है तीजा, तीसरा है आपका पोरा, तीजा पोरा तो वही हो गया ना। चलिए, आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर में माटी त्यौहार कब मनाते हैं? तो जो माटी आपका त्यौहार मनाते हैं व्यापम 2018 में पूछा गया है, चैत्र माह में मनाया जाता है। बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है? तो आपका CGPSC 16 में पूछा गया है, स्थानीय आदिवासी द्वारा। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं फटाफट आंसर करा रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल रिवाइज कीजिएगा, ऐसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा के साथ की जाती है? सीजी व्यापम वन रक्षक विभाग में आया है काछिन गादी देवी। आपको मैंने अभी मैं आपको हाल ही में बताया हूँ कि बस्तर का दशहरा जो प्रारंभ होता है काछिन गादी देवी से होता है और अंतिम होता है आपका मुड़िया दरबार से। बार बार आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार वीडियो को याद कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे जाएगा, ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दंतेश्वरी देवी के बारे में बात करें तो यहाँ पर बस्तर का दशहरा जो प्रमुख इसका जो देवी देवताएँ हैं आपका दंतेश्वरी देवी है। ठीक है, चलिए, अब काछिन गादी देवी, देखिए एग्जाम में कई बार पूछता है इसीलिए मैं सब चीज़ डिटेल के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नोट करते जाइए दिमाग में। अब लिखिएगा मत, अब लिखने का समय नहीं है, अब सिर्फ बिल्कुल रिवीजन कीजिएगा, आँखों में देखो और रिवाइज करो, क्वेश्चन टिक लगाओ। ठीक है, ऑप्शन मारते जाओ, है ना, क्या आएगा? काछिन गादी देवी, अब मैं आपको बता दिया था उसी पर, काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है? दशहरा से। कौन से दशहरा? बस्तर का दशहरा। कमेंट कीजिएगा बॉक्स में। ठीक है, गोंचा पर्व कब मनाया जाता है? ये आपका रथ यात्रा, अभी बताना आपको रथ यात्रा। और देखिए, छत्तीसगढ़ में पहला त्यौहार है हरेली, होली कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की नदियां से, जो आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप PSC की तैयारी करें चाहे व्यापम का तैयारी करें, है ना। तो ये दोनों टॉपिक आपने पढ़ लिया, समझो आपका रिवाइज हो गया। तो नदियां से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक 2011 से लेकर 2023 तक, अभी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब भी कराने वाला हूँ। वीडियो पूरा वन लाइनर रहेगा, अभी जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा छत्तीसगढ़ की नदियाँ से पूरा वन लाइनर रहेगा, व्यापम PSC से भरपूर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा, आप देखिए कितना सारा है, पूरा व्यापम PSC व्यापम सभी में एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, छत्तीसगढ़ का ऐसा टॉपिक जो आपका लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, चाहे आपका पेपर में आए या ना आए, एक बार रिवीजन करके जाएं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा, जो जो टॉपिक बता रहा हूँ बिल्कुल रट लीजिएगा।
नानघाट किस नदी के किनारे है? आपका व्यापम पीएससी सीएमओ 2019 में पूछा गया शिवनाथ नदी के किनारे। हसदेव नदी के किनारे कौन सा जिला है? हसदेव आपको कोरबा, महिला पर्यवेक्षक 2009। ताला गांव ये आपका है, ताला गांव। विकास नदी किस किनारे बसा है? मनियारी नदी, ठीक है। रायपुर किस नदी के किनारे? खारून। रायपुर के प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? हॉस्टल वाडा ने 2014 में पूछा गया खारून नदी। और सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि 25 जून से हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री क्लास हॉस्टल वाडाना और वन विभाग यानी कि फॉरेस्ट गार्ड्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जिनको भी तैयारी करना है तो जल्दी से जाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। अगर वीडियो में आपको एक बार में याद नहीं होता, वीडियो को दोबारा देखो, दो बार देखो, ठीक है, दो बार रिवाइज करो, है ना। मैं कहता हूँ दो बार वीडियो को रिवाइज करो, याद हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हसदेव तट पर स्थित है चांपा। व्यापम RI-14। RI का मतलब होता है रिवेन्यू इंस्पेक्टर। जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती। शिवनाथ नदी के किनारे स्थित शहर सीजी व्यापम 14। दुर्ग राजनांदगांव भिलाई भी आएगा ना। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग कौन सा है? सबरी नदी पर, जो कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र राजकीय जलमार्ग की नदी पर बना है, तो आप बताएंगे सबरी नदी पर। आपका सीजी पीएससी 2013 में पूछा है। कलमा बांध किस नदी पर निर्मित है? आपका कलमा बांध आ जाएगा महानदी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, कलमा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया? महानदी। आपका व्यापम 2017 में छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध, रविशंकर बांध, व्यापम 2017 में। छत्तीसगढ़ के सबसे कम सिंचित जिला ये छोड़ देना, मैं छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध है जो मिट्टी से बना है? खरखरा बांध है ना, जो ऐसा छत्तीसगढ़ में कौन सा है जो मिट्टी से बना हुआ है, तो खरखरा बांध आपको सीजी फूड इंस्पेक्टर 2008 में पूछा गया है, ठीक है। मैं इसीलिए करा रहा हूँ जितने भी सब टॉपिक में, एक ना एक तो क्वेश्चन आपको फंसेगा ही फंसेगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए छत्तीसगढ़ में 30 नंबर के आसपास आपका लेबर इंस्पेक्टर में पूछा जाएगा, जिसमें आपका कम से कम 15 नंबर तो यहाँ से कवर हो ही जाएगा। 10 से 15 नंबर कहता हूँ कवर हो ही जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के टॉपिक में आपको करा दिया हूँ, जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, सभी वीडियो को देख डालिएगा। अगर व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है। प्लेलिस्ट पर जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर, बिल्कुल पूरा सभी के सभी क्लास प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा सभी को, यानी कि लेबर इंस्पेक्टर के जो क्लास है जाके रट डालिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं निम्न में से कौन सा बांध है जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है? रुद्री बांध। ये खूटाखाट बांध खारंग में। किस नदी पर मिनी माता परियोजना है? हसदेव। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा बांध बांगो बांध सीजीपीएससी 18। छत्तीसगढ़ के किस जिला में है स्थित हसदेव बैराज बांध? कोरबा। सभी व्यापम में पूछा गया। हरिहंदा नदी किसकी सहायक नदी है? व्यापम क्षेत्रफल रक्षक में पूछा गया 17 में, ठीक है। अब चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर आपको मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी। याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी नदी कौन सी? महानदी। सीजीपीएससी 2013 में पूछा है। अब कहने का ये तात्पर्य है मेरा कि देखिए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, जो कि आपका भारत में 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है, ठीक है। याद रखना आपका सीजी में आएगा या आपका इंडियन में आएगा, भारत में 858 जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। और महानदी की सहायक नदी कौन सी है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। साथ ही इंद्रावती नदी की सहायक नदी है आपका कोटरी नदी, ठीक है, याद रखना कोटरी नदी। और एक बात और याद रखना, जो नर्मदा नदी है सबसे छोटी नदी है, नर्मदा नदी है सबसे छोटी नदी, इसकी दो सहायक नदी है आपका ताड़ा नदी और बंजर नदी, ठीक है। ताड़ा नदी और बंजर नदी ये दोनों ही कवर्धा से निकलती है, कवर्धा क्षेत्र से
निकलती है, याद रखना। और जो महानदी है आपका सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र मैं क्लास करा दिया हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखा है जाइए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में है। तो महानदी के बारे में जानते हैं, जो कि 58.16 के आसपास या 58.62 के आसपास है इसका क्षेत्र, ठीक है, महानदी का प्रवाह, ठीक है। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी है कौन सी है, शिवनाथ नदी सहायक नदी बहुत सारा है, ठीक है, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोराई नदी, मांड नदी, केलो नदी, है ना, बहुत सारा है। चलिए सेकंड है आपका, आभनेर मुस्कान पिपरिया नदियों का संगम है, तो आपका खैरागढ़, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल, तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कालाहांडी। दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो महानदी पर, कौन सा नदी, महानदी। चलिए आप सभी लोगों को मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी के सभी लोग जो देख रहे हैं हमारे चैनल पर, रिविजन कर रहे हैं, अंतिम दांव पेज कर खेल रहे हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। इंद्रावती की सहायक नदी कौन से है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, महानदी की सहायक नदी कौन से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शिवनाथ नदी कितनी है, शिवनाथ नदी का किलोमीटर कितना है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी के सभी आंसर दीजिए यहाँ पर, तभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। हाँ सभी का सभी आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ चलिए वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर आ रहा है सभी को वेरी गुड, ऐसे ही रिवाइज करके जाइएगा। कितने लोगों का आंसर आया है हम देख रहे हैं यहाँ पर, 73% लोगों का आया है, लेकिन बाकी लोगों क्यों नहीं आ रहा है, सभी लोग कमेंट करें ना, सभी के सभी लोग कमेंट करें। क्या क्वेश्चन पूछा हूँ, इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी है, महानदी की सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी कितने किलोमीटर में बह रही है, ये पूछ रहा हूँ ना, है आप लोग का आंसर आना चाहिए। महानदी तो बताए हूँ और उसको क्या करूँगा पूछकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी की, और मनियारी नदी तालागांव, याद रखें ना तालागांव, तालागांव से आप क्या समझ रहे हो, देवरानी जेठानी का मंदिर, ठीक है। तालागांव किसके लिए प्रसिद्ध है, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, देवरानी जेठानी का मंदिर, व्यापम में पूछता है, याद रख लो। तांदुला नदी का उद्गम स्थल कांकेर। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा यानी कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सिहावा पर्वत। राजपुरी प्रपात, राजपुरी जलप्रपात कहाँ है, जसपुर में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर और जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारण करती है, महानदी 858 जबकि छत्तीसगढ़ में 286, शिवनाथ नदी आपका 290, याद रखना, ठीक है। चलिए क्रम वाइज करते हैं कि इनमें से कौन सा सही है महानदी की सीमावर्ती, तो ऑप्शन बी होगा, सबसे पहले आपका राजिम, फिर सिरपुर, पलारी, सिवरी नारायण, क्रम वाइज याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, महानदी छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर। इंद्रावती नदी का आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आएगा। सूखा नदी किसकी सहायक नदी, सूखा नदी कोडार की सहायक नदी, कोडार यानी कि महानदी की सहायक नदी, सूखा नदी महानदी की सहायक नदी है। आप लोग बताइए गोदावरी नदी दक्षिण की ओर बहती है, सही है, छत्तीसगढ़ की दक्षिण की ओर बहने वाली गोदावरी नदी है। और सेकेंड नंबर छत्तीसगढ़ में सबसे पहला नंबर कौन सा है, देखिए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नदियों के बारे में बताऊँ को, तो छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार के प्रवाहित नदियाँ हैं, ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र है, जिसमें पहला है आपका महानदी अफवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, तीसरा है आपका सोन नदी अफवाह तंत्र तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आपका ब्राह्मणी नदी है, और पाँचवें नंबर पर आपका है कौन सा नदी है, नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है आपका पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो मैं क्या पूछा हूँ आपको, सूखा नदी की सहायक नदी पूछा हूँ महानदी, तो आप बताइएगा गोदावरी नदी की जो है 28.64, याद रखना कितना परसेंट में है, 28.64%
आप इंद्रावती नदी की सहायक नदी कौन सी है कमेंट करके बताएं। राज्य का यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे चौड़ा और सर्वाधिक जलप्रपात कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। पानी डोंगरी पहाड़ी कौन सी नदी है, जोंक और तेल नदी, ये दोनों किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक तौर पर बता रहा हूँ। वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा लग रहा है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मतलब ये कहने का मतलब है कि आपको वीडियो जो है जच रहा है कि नहीं जच रहा है, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सभी आप लोग कमेंट करके बताएं और रिवीजन कीजिएगा। अच्छा लग रहा है रिवीजन कीजिएगा, अंतिम दांव खेल के जाइएगा, हार होगी या फिर जीत होगी, ठीक है। महानदी बेसिन, महानदी किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ राज्य उड़ीसा के मध्य जल बंटवारा है इंद्रावती नदी। इब नदी को सोने के कण कहा जाता है, रेत रेत सोने की रेत, रेत की कण पाया जाता है इब नदी में, ठीक है। केंदई जलप्रपात कोरबा, केंदई है आपका कोरबा। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कौन सा है, महादेव घूमर जलप्रपात, ठीक है। बस्तर संभाग को दो भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है, इंद्रावती नदी। बस्तर जो संभाग है ना आपका, बस्तर कहाँ है, दक्षिण की ओर बहती, बस्तर जो आपका दक्षिण में है उसको दो भागों में विभक्त। अब इसके बाद देखने वाले हैं चित्रकूट जलप्रपात, यानी कि यहाँ पर जलप्रपात से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में जलप्रपात से क्वेश्चन 1 से 2 नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करें, कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। देखिए चित्रकूट जलप्रपात के बारे में जानते हैं, तो देखिए यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, चित्र के हिसाब से, यानी कि मानचित्र के हिसाब से आपको पूरा बताऊंगा, वाटरफॉल बताऊंगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा समझिएगा, चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर से 39 यानी कि 39 किलोमीटर दूर इंद्रावती पर बनता है। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। छत्तीसगढ़ के सबसे चौड़ा जलप्रपात है। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ के सबसे चौड़ा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे चौड़ा जलप्रपात आपका बिल्कुल है ना, तो इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात। जिला आपका बस्तर, नदी इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, सबसे चौड़ा जलप्रपात है आपका, ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। अब देखते हैं सातधारा जलप्रपात के बारे में, तो सातधारा जलप्रपात देखिए इंद्रावती नदी पर स्थित है। यह प्रपात सात धाराओं के रूप में नीचे गिरता है। यह जगदलपुर से 68 किलोमीटर दूर बारसूर नगरी से 7 किलोमीटर के अंतराल में अवस्थित है, जिसे भेड़ाघाट कहा जाता है। इसका दर्शनीय है सात धारा, बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा, शिव चित्र धारा, यानी कि सात धारा आपका जो है इंद्रावती नदी और जिला है आपका बीजापुर। अब तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में जानेंगे, जो तीरथगढ़ जलप्रपात है आपका बस्तर जिला में, नदी है मुनगाबहर नदी। तीरथगढ़ जलप्रपात की सहायक नदी कौन सी है, मुनगाबहर नदी। और छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 300 फीट से नीचे गिरती है, ठीक है, 300 फीट नीचे से गिरती है इसका जो है तीरथगढ़ जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ के सबसे हाईएस्ट है ऊंचा जलप्रपात। चौड़ा जलप्रपात के बारे में बात करें तो आपको बताया ना अभी जस्ट, तीरथगढ़ जलप्रपात है आपका सबसे ऊंचा, जबकि चित्रकूट जलप्रपात है आपका सबसे चौड़ा, ठीक है। अब चित्रधारा जलप्रपात के बारे में जानेंगे, सभी एग्जाम में ऐसे व्यापक में पूछा जाता है, इसीलिए बेसिक टॉप के लाया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं होगा, फिर यहाँ पर क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, वो कॉल आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए चित्रधारा जलप्रपात के बारे में बात करें, जिला आपको बस्तर, नदी इंद्रावती, मावली भाटा जगदलपुर के समीप, विशेष है महादेव धूमरगढ़ के नाम से जाना जाता, धूमरदेव यानी कि धूमरगढ़ है जलप्रपात। कांकेर धारा है आपका बस्तर जिला, नदी कांकेर नदी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है। रक्षगंडा जलप्रपात के बारे में देखेंगे, तो रक्षगंडा जलप्रपात जिला बलरामपुर, नदी रेंड। अमृतधारा जलप्रपात जिला कोरिया, नदी हसदेव नदी, तापसी मुनि का आश्रम, ठीक है। कोटली नदी जलप्रपात के बारे में जानेंगे, कोटली नदी जलप्रपात जिला बलरामपुर, नदी कन्हर।
सरभंजा जलप्रपात जिला सरगुजा नदी मांड इको पॉइंट टाइगर पॉइंट मछली पॉइंट आपका मलाज कुंडम से देखेंगे। तो मलाज कुंडम देखिए यहाँ से आपको मैं चित्र के हिसाब से दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मलाज कुंडम के बारे में जिला कांकेर नदी दूध नदी ये आपका 18 किलोमीटर दूर है कांकेर से 18 किलोमीटर दूर है मलाज कुंडम की पहाड़ी। ठीक है अब चलिए देखिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं हमारे तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है पहला दूसरा और तीसरा। आप कोई भी ग्रुप में जुड़ जाइएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका रहा जलप्रपात से।